बरसात में जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाने से, हवा में नमी की वजह से और गंदगी के बढ़ जाने से कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बरसात के मौसम में सावधानी बरतने से ही इन बीमारियों से बचा जा सकता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीरज मित्तल ने कहा कि बीमारी की आशंका होने पर तुरंत अस्पताल में जांच करवाएं और बरसात के मौसम में सावधानी बरतें। बरसात का मौसम बीमारियों को आमंत्रित करने का मौसम होता है, क्योंकि इस मौसम में बारिश से कई स्थानों पर जल जमाव, कीचड़ व गंदगी से पैदा होने वाले मच्छर व बैक्टीरिया बीमारियां फैलाते हैं। इसके अलावा मौसम में नमी के कारण बैक्टीरिया अधिक पनपते हैं, जो पानी और खाद्य पदार्थों को दूषित कर शरीर में बीमारियों का कारण बनते हैं। बरसात के मौसम में जरा सी असावधानी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। सिटी चैनल से बातचीत के दौरान जिला शिमला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीरज मित्तल ने कहा कि बरसात में दूषित पानी पीने से बचें और अगर हो सके तो 15 मिनट पानी अच्छे से उबालने के बाद ही पिएं। उन्होंने कहा कि दूषित पानी पीने से जानलेवा रोगों का खतरा बना रहता है। नीरज मित्तल ने कहा कि मॉनसून में गली सड़ी सब्जियां और बासी खाना खाने से भी बचना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बीमारियों से बचने के लिए सभी को सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सिटी चैनल को बरसात के समय होने वाली बीमारियां और उनसे बचने के उपायों की विस्तार से जानकारी दी। दूषित पानी से या इस मौसम की बात करें तो इसमें एक तो जैसे वाटर बोर्न डिजीजेज हैं, उनका जो ज़्यादा उसके इंसिडेंस हो जाता है। और वाटर बोर्न डिजीज में हम जैसे बात करें तो हेपेटाइटिस है और टाइफाइड है, ये इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। साथ में गैस्ट्रोएंटाइटिस जो है वो ज़्यादा हो जाता है और आजकल के मौसम में ही डेंगू का भी ज़्यादा प्रकोप होता है। तो यहाँ तक वायरल मैंने बताया हेपेटाइटिस होता है, तो पानी के दूषित पानी के पीने से होता है। और पिछले 2 महीनों में जून और जुलाई में तो हमारे पास ज़्यादा केसेस इसके नहीं आए, एक डायग्नोस्ड केस वायरल हेपेटाइटिस का एक ही आया। मई में ये टोटल ए एंड ई के 7 थे। इससे आप बचने के लिए एक तो हमें जो पानी को है वो कम से कम अच्छी तरह उबाल कर, अच्छी तरह मतलब उसको कम से कम भी तो 10 से 15 मिनट, मैं तो 15 मिनट ही कहूँगा, 15 मिनट उबाल कर पानी को पीना है। और गली और सड़ी सब्जियाँ या फल जो है बिल्कुल नहीं खाने। आपने सफाई का विशेष ध्यान रखना है, अपने जो शौच से पहले या बाद में हाथों को अच्छी तरह धोना है और पुराने कटे हुए फल या सब्जियां भी यूज़ मत करना। तो बासी जो भोजन है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना। तो यही बाकी अपना खाने को भी ढक के रखिए ताकि उस पर जो मक्खियां या वो चीज़ें ना बैठें जिससे कि इन्फेक्शन हो। और पानी को मैंने बताया मेन है, पानी को उबाल के पीजिए अच्छी तरह, जिसको हम कहते हैं एक तो सिंपल डायरिया होता है जिसमें दस्त लगते हैं, गैस्ट्रोएंटाइटिस जिसमें कि उल्टी भी आ जाती है साथ में, गैस्ट्रोएंटाइटिस बोलते हैं। और एक डाइसेंट्री होती है, यदि उसमें खून आए तो हम उसको डाइसेंट्री बोल देते हैं। इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं होती, जितने भी केसेस गैस्ट्रोएंटाइटिस के या डायरिया के होते हैं ये आमतौर पर सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, पर उसमें आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ती है कि इसमें आपने जो पानी है उसकी कमी नहीं होने देनी। तो आप ORS पिलाइए, जितनी बार वो जितनी बार उसका डायरिया के लिए जाता है बाहर, जैसे 3 या 4 बार जाएगा, तो उसको कम से कम आपने 4 ग्लास भर के पानी के ORS के पिलाने। तो आप ORS पिलाओगे तो वो सेल्फ लिमिटिंग होता है और वो ठीक हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।